हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो बच्चों, आज की वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्लास टेंथ की बायोलॉजी। क्लास टेंथ बायोलॉजी, इसमें आपका लैब प्रोसेसेस चल रहा था और हमने ह्यूमंस में न्यूट्रिशन पढ़ रहे थे। तो ह्यूमंस के न्यूट्रिशन में हमने आपको माउथ कवर करा दिया था और इसमें टीथ, टंग और जो मतलब किस तरह से फूड का डाइजेशन माउथ से स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे सबसे पहले किसका डाइजेशन होता है? यहाँ होता है बच्चों स्टार्च का डाइजेशन। तो आज हम माउथ के बाद जो ईसोफेगस स्टार्ट होता है उसको स्टडी करेंगे कि इसके डाइजेशन में पहले माउथ होता है, फिर ईसोफेगस होता है। मैंने आपको ये डायग्राम याद करिए ड्रॉ करवाया था। एलिमेंट्री कैनल स्टार्ट होती है माउथ से, माउथ होता है, फिर ईसोफेगस आता है आपका, फिर जे शेप का जिसको बोलते हैं हम स्टमक होता है, फिर इंटेस्टाइन होती है। तो ये पार्ट बच्चों आपका रहेगा, ये पार्ट सेवेंथ रहेगा और हम पढ़ रहे हैं क्लास टेंथ में लाइफ प्रोसेसेस, ठीक है। तो आज हम ईसोफेगस से स्टार्ट करते हैं। ईसोफेगस, तो बच्चों जो डाइजेशन होता है फूड का वो माउथ में तो होता है। माउथ में डाइजेशन मैंने बताया था किसका होता है, स्टार्च कन्वर्ट होता है बच्चों माल्टोज में। स्टार्च इसमें कन्वर्ट होता है माल्टोज में, जो कि क्या है, डाइसैक्राइड है। आप याद करिए कि जब मैं माउथ में डाइजेशन बता रही थी तो स्टार्च किस में कन्वर्ट हो रहा था, स्टार्च कन्वर्ट हो रहा था बच्चों माल्टोज में, ठीक है। और जो स्टार्च ये क्या है, पॉलीसैक्राइड बताया था, स्टार्च क्या है, पॉलीसैक्राइड, और जो माल्टोज है वो है बच्चों डाइसैक्राइड, ठीक है। तो पॉली मींस सैक्राइड, तो शुगर है, पॉली मींस बहुत सारी। इसमें जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल था इस तरह से एक दूसरे के थ्रू एन नंबर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल यहाँ अटैच्ड होंगे, बट इन केस ऑफ माल्टोज, माल्टोज में ओनली डाइसैक्राइड है, टू शुगर्स अटैच्ड है, तो ग्लूकोज के टू मॉलिक्यूल यहाँ पे अटैच है। तो यहाँ पे माउथ में तो डाइजेशन हुआ किसका, स्टार्च का, और किसकी प्रेजेंस में हुआ था, सलाइवरी एमाइलेज, जो कि सलाइवरी ग्लैंड सिक्रेट करती है। किसकी प्रेजेंस में हुआ था, ये हुआ था बच्चों सलाइवरी एमाइलेज, सलाइवरी एमाइलेज, या इसको क्या बोलते हैं, टाइलिन, सलाइवरी एमाइलेज, क्या बोलते हैं बच्चों इसको, टाइलिन। तो हमने ये तो देख लिया कि जो डाइजेशन है वो स्टार्ट हो जाता है माउथ से, ही डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है माउथ से, ही डाइजेशन क्या करता है, स्टार्ट कर जाता है। बट जब हम बात करते हैं ईसोफेगस की, तो ईसोफेगस में क्या होता है, जे बस ईसोफेगस के थ्रू जो ये बोलस बनाता है, मैंने बताया था फूड जो चर्निंग फूड हमने वाला अपने माउथ में लेंगे किसी भी फूड का, उस फूड के अंदर चर्निंग होगा, दांत उसको चर्न करेंगे। चर्निंग फूड के अंदर जब सलाइवा मिक्स करता है तो उसको हम बोलते हैं बच्चों बोलस। ये हमारा क्या है, चर्निंग फूड। आइए आप चर्निंग फूड में जब सलाइवा मिक्स कर हो जाता है तो इसको बोलते हैं बच्चों बोलस, इसको बोला था हमने बोलस। जब ये बोलस ईसोफेगस में जाएगा, ठीक है, तो वहाँ पे इस तरह से मूवमेंट होती है, कॉन्ट्रैक्शन, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो उसको बोलते हैं बच्चों पैरिस्टाल्टिक मूवमेंट। तो माउथ में तो डाइजेशन हुआ किसका, स्टार्च का, बट याद करिए मैंने बताया था जो फाइनल डाइजेशन होता है वो होता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके। यहाँ पे देखिए काफ़ी सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल थे, ये ब्रेक तो कर गए, टू में है गए, बट अभी भी एक ग्लूकोज नहीं बना। तो जो एक ग्लूकोज बनेगा, जो फाइनल डाइजेशन होगा, वो होगा आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो बिफोर वी स्टार्ट ईसोफेगस, मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ये सलाइवरी एमाइलेज जो आता है वो आता कहाँ से, हमने बोला सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं, ठीक है, इन सलाइवरी ग्लैंड्स कहाँ होती है, हमारे माउथ में होती है। तो आप ये और देख लीजिए कि कौन कौन सी ग्लैंड्स होती हैं, तो इससे आपको थोड़ी आसानी हो जाएगी। जो सलाइवरी ग्लैंड्स, जो सलाइवरी ग्लैंड्स होती है कहाँ प्रेजेंट होती हैं, प्रेजेंट इन माउथ,
ठीक है, तो आप ये देखते हैं ना सलाइवरी ग्लैंड्स कितनी होती हैं, थ्री तीन टाइप की सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं। फर्स्ट वन इज पैरोटिड, मैक्सिलरी, देन मैंडिबुलर, ठीक है पैरोटिड। देखो सलाइवरी ग्लैंड्स तीन टाइप की होती हैं, फर्स्ट वन इज पैरोटिड, मैक्सिलरी ग्लैंड्स, देन मैंडिबुलर ग्लैंड। पैरोटिड हुआ, मैक्सिलरी, देन मैंडिबुलर, ठीक है। तो जो पैरोटिड पैरा मीन्स स्पीच है, आप ये देखिए जो पैरोटिड ग्लैंड होती है वो आपके यहाँ होती है कानों के पीछे, जो हमारे ईयर्स होते हैं बैक द ईयर्स, पैरोटिड ग्लैंड्स यहाँ होती है। जैसे कि आपने सुना होगा बहुत से लोगों को मम्स हो जाते हैं, मम्स मीन्स गर्ल्स हुए, तो जिन लोगों को जो मम्स होते हैं गर्ल्स हुए होते हैं उनका ये एरिया कैसा होता है, स्वेल कर जाता है। तो जो पैरोटिड ग्लैंड होती है उनमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, वो सूज जाती है, उनके सूजन को या उनके इन्फ्लामेशन को ही हम क्या बोलते हैं, मम्स या गर्ल्स हुए। तो जो पैरोटिड ग्लैंड्स होती हैं ये आपके बिलो द ईयर होती हैं। और मैक्सिलरी, ठीक है, जो मैक्सिलरी ग्लैंड्स होती हैं ये भी एक टाइप की क्या है, सलाइवरी ग्लैंड्स हैं। और ये आपकी जो देखिए ये टंग है हमारी, इस टंग के नीचे होती है, ठीक है। और जो मैंडिबुलर है, जो आपका लोअर जबड़ा है ना, ये इस साइड में देखिए जबड़ा, जिससे आप खाने को चर्न करते हैं, मतलब टीथ का जो लास्ट पार्ट होता है उसको बोलते हैं बच्चों जबड़ा, ठीक है। तो ये वहाँ प्रेजेंट होती हैं। तो पैरोटिड ग्लैंड होती हैं आपकी बिलो द ईयर, ये मेरे साथ साथ आप नोट करते जाइए, अपनी नोटबुक में नोट्स बनाते जाइए, बिलो द ईयर या बिलो द ईयर, ठीक है। और जो मैक्सिलरी ग्लैंड होती हैं इसको आप देखिए बैक द ईयर, मतलब कान के पीछे, बैक द ईयर। मैक्सिलरी होती हैं आपकी बिलो द टंग, और जो मैंडिबुलर होती हैं एट लास्ट ऑफ जॉ लाइन, जो आपकी ये जॉ होता है, मतलब जो ये जबड़ा होता है जबड़े की लाइन के पीछे, ये आपकी प्रेजेंट होती है बच्चों मैंडिबुलर ग्लैंड। तो आपने देखा, इसको आप अपनी नोटबुक में नोट करिए, थ्री टाइप्स की सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं, फर्स्ट वन इज पैरोटिड, मैक्सिलरी, देन मैंडिबुलर। तो जो पैरोटिड ग्लैंड्स होती हैं ये आपके कानों के पीछे होती हैं, और जो मैक्सिलरी होती हैं बिलो द टंग होती हैं, और जो मैंडिबुलर होती हैं ये आपकी जॉ लाइन पे होती हैं। ये तीनों टाइप की जो सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं इनके सिक्रीशन को ही, इनका जो सिक्रीशन होता है इसी सिक्रीशन को बच्चों बोलते हैं सलाइवा, इसको क्या बोलते हैं बच्चों सलाइवा। और सलाइवा के थ्रू ही किसका डाइजेशन होता है, स्टार्च का। और ये आप याद रखिए इसकी जो पीएच होती है वो होती है 6.8। अगर आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, जो बच्चे नीट की मेडिकल में जाना चाहते हैं तो उनको अपना बेस अभी से स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए सफिशिएंट है, आप यहीं से स्टार्ट करिए अपनी, जो जो मैं बताती हूँ उन पॉइंट्स को आप अपनी नोटबुक में नोट करते जाइए बच्चा। आपको ये कहीं नहीं मिलेगा, आपकी बुक, आप बुक्स पढ़ोगे आपको पढ़ने में बहुत टाइम वेस्ट होगा, और जो आपको बताया जा रहा है बस आप उसी को अपनी नोटबुक में नोट करिए और एक एक पॉइंट को समझने की कोशिश करिए। कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस जो मैं कराती हूँ उन्हीं वीडियोस लेक्चर को आप एक बार दो बार देखिए और वही आपको माइंड में फिट हो जाएगा। तो देखिए तीन टाइप की सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं, पैरोटिड, मैक्सिलरी, देन मैंडिबुलर। पैरोटिड जो होती है कानों के पीछे होती है इस साइड पे, जो मम्स होते हैं गर्ल्स हुए होते हैं किसकी वजह से होती है, जो पैरोटिड ग्लैंड में स्वेलिंग आ जाती है उसकी वजह से क्या हो जाती है, मम्स हो जाती है। जो मैक्सिलरी होती है वो टंग के नीचे होती है, और जो मैंडिबुलर ये आपकी जो जॉ लाइन है, जो ये जबड़ा होता है उसके पीछे होती है। इन्हीं सब के कलेक्टिव सिक्रीशन को बच्चों बोला जाता है सलाइवा।
और इसकी जो पीएच होती है बच्चों वो होती है 6.8। ठीक है, ये आप नोट कर लेना। अब हम ये एक चीज और देख लेते हैं, फिर इसोफेगस पे आते हैं। यहाँ पे मैंने आपको बताया था जो हमारी टंग होती है वो क्या है, एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है। जो टंग होती है, टंग क्या है, इधर मस्कुलर स्ट्रक्चर, इसमें क्या है, बहुत छोटी छोटी मसल्स प्रेजेंट होती हैं। मैंने आपको बताया था कि हम कितनी भी बात करने बोलने, हमारी टंग कभी थकती नहीं है, हमारी जुबान कभी थकती नहीं है। क्यों नहीं थकती है, क्योंकि इसमें इसकी जो मसल्स बहुत छोटी छोटी होती हैं, वो जैसे थकती हैं जल्दी से रिपेयर कर लेती हैं, तो उसमें पेन का एहसास नहीं होता है। ठीक है, तो हमारी जो टंग है कुछ इस शेप की होती है। ठीक है, तो इस पे यहाँ पे टेस्ट बड प्रेजेंट होते हैं, कुछ यहाँ पे होते हैं, कुछ यहाँ पे होते हैं, कुछ यहाँ होते हैं और कुछ यहाँ होते हैं। ठीक है, ये क्या है आपके, टेस्ट बड्स। क्या होते हैं, टेस्ट बड। ये हमारी क्या है, टंग। हमारी टंग की वजह से ही हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप का टेस्ट पता चल पाता है। तो देखिए जो टेस्ट बर्ड्स होती हैं, छोटी छोटी होती हैं और कुछ इस टाइप की ऐसी होती हैं। ठीक है, तो हम देखिए मीठा खाते हैं, कड़वा खाते हैं, नमकीन खाते हैं, तो हमें इन्हीं टेस्ट बर्ड की वजह से पता चलता है। तो देखिए जो सबसे लास्ट में जो टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होती हैं वो हमें एहसास कराती हैं, किसका, कड़वे का, मतलब बिटर टेस्ट बर्ड्स होती हैं। जो सबसे पहले टंग पे जो होती हैं, मतलब टिप ऑफ द टंग होती हैं, वो हमें कराती हैं स्वीट का, मीठे का, और सोर एंड सॉल्टी। देखो चार टाइप के टेस्ट बर्ड्स हो गए, बिटर, सॉलेंट, सॉल्टी एंड स्वीट। बिटर टेस्ट सबसे लास्ट में जो टेस्ट बड प्रेजेंट हुए, जहाँ से हमारी टंग अटैच्ड होती है, ठीक है, वहाँ पे हमें कड़वेपन का एहसास होता है। अगर हम कुछ भी चीज़ कड़वी खा लेते हैं जब उसमें बिटरनेस है तो वो हमें एहसास होता है। कोई चीज़ हमें मीठी लगती है, वो टेस्ट बड हमारी टिप ऑफ द टंग प्रेजेंट होते हैं, आपने देखा। और जो स्वीट एंड जो सॉर एंड सॉल्टी टेस्ट होता है, मतलब खट्टा और नमकीन जो टेस्ट होता है, वो हमारी टंग के साइड्स में जो टेस्ट बड्स प्रेजेंट होती हैं उनकी वजह से होता है। आपने देखा होगा जो कड़वापन रहता है, जो कड़वा टेस्ट होता है किसी भी चीज़ का, वो ज़्यादा टाइम तक रहता है। ऐसा क्यों होता है, स्वीट थोड़ा टाइम तक लगेगा, बट अगर हमने कोई कड़वी चीज़ खाई तो उसका टेस्ट हमें बहुत देर तक दिखता है। तो वो क्यों दिखता है, क्योंकि जो बिटर टेस्ट को के लिए जो रेस्पॉन्सिबल है वो क्या है, आपकी टेस्ट बर्ड्स रिस्पॉन्सिबल है। तो बिटर टेस्ट वाली टेस्ट बर्ड का नंबर बहुत ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू ऑल दीज थ्री, मतलब सोर हुआ, सॉल्टी हुआ या स्वीट हुआ, इनसे ज़्यादा बिटर वाली जो टेस्ट बर्ड होती हैं इनका नंबर ज़्यादा होता है। तो आप सोचिए जिसका जितना ज़्यादा नंबर होगा वो चीज़ की बहुतियाँ होगी, मतलब वो चीज़ ज़्यादा मैक्सिमम होगी। तो जो बिटर टेस्ट बर्ड्स होती हैं उनका नंबर ज़्यादा होने की वजह से ही बिटर टेस्ट जो होता है हमें ज़्यादा टाइम तक महसूस होता है। तो देखिए ये फोर टाइप की आपकी टेस्ट बर्ड्स होती हैं, बिटर, सॉर एंड सॉल्टी, देन स्वीट। तो हमने देख लिया हमारे माउथ में हमने किस किस चीज़ को स्टडी किया, हमने स्टडी किया लिप्स को, टीथ को, टंग को। देखिए टंग क्या है, एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है। टंग में क्या है, टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होती हैं, बिटर, स्वीट, सॉर, स्वीट, ये सब क्या है, टेस्ट बर्ड्स हैं। इन्हीं की वजह से हमें क्या एहसास होता है, हमें टेस्ट का एहसास होता है। ठीक है, हमने पढ़ा था टंग, टीथ पढ़े थे। टीथ किस टाइप के होते हैं, टू टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन इज़ टेम्प्ररी, सेकेंड वन इज़ परमानेंट। जो टेम्प्ररी होते हैं वो 12-15 एज तक आ जाते हैं, और जो परमानेंट टीथ होते हैं वो 25 ईयर्स तक, तो 28 तीथ आ जाते हैं,
और उसके बाद 25 के बाद जो रिमेनिंग है वो टीथ आते हैं, उन टीथ को बोलते हैं बच्चों विजडम टीथ। मैंने बताया था 4 टाइप के टीथ होते हैं, इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर्स एंड मोलर। जो आगे वाले टीथ होते हैं जो किसी भी चीज़ को काटने के में हेल्प करते हैं उनको बोलते हैं इंसीजर, केनाइन किसी भी चीज़ को फाड़ने में हेल्प करते हैं, प्रीमोलर्स एंड मोलर फूड को चर्न करने में, चबा चबा के खाने में आपकी हेल्प करते हैं। ठीक है, आपको डेंटल फार्मूला भी बताया था 2-1-2-3, दिस इज़ अ डेंटल फार्मूला। आपकी टंग भी कंप्लीट हो, और अभी आपको सेलाइवरी ग्लैंड भी बता दी। ठीक है, कि 3 टाइप की सेलाइवरी ग्लैंड होती हैं, कौन कौन सी होती हैं? पैरोटिड, मैक्सिलरी, सबमैंडिबुलर। पैरोटिड ग्लैंड आपके यहाँ प्रेजेंट होती है, कानों के पीछे जो मम्स होते हैं वो इन्हीं पैरोटिड ग्लैंड में इन्फ्लामेशन की वजह से होती है। जब कभी पैरोटिड ग्लैंड में स्वेलिंग आ जाती है तो उसको बोलते हैं बच्चों मम्स या गजुए। मैक्सिलरी आपकी जीभ के नीचे होती हैं, और मैंडिबुलर आपकी जॉलाइन पर। तो इसी, और मैंने बताया कि माउथ के अंदर किसका डाइजेशन होता है, माउथ के अंदर होता है बच्चों स्टार्च का डाइजेशन। स्टार्च कन्वर्ट होता है माल्टोज में इन द प्रेजेंस ऑफ सेलाइवरी एमाइलेज, या इसको टाइलिन भी बोला जाता है। अब हम देखते हैं कि हम ईसोफेगस, अब देखिए माउथ, माउथ के थ्रू क्या आएगा, फूड पाइप। इस फूड पाइप को क्या बोलेंगे बच्चों, ईसोफेगस। ईसोफेगस से फिर क्या आएगा आपका स्टमक, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन। तो हम 1 by 1 करके सिक्वेंस के थ्रू ही ये पूरा चैप्टर पढ़ रहे हैं। जो ईसोफेगस है ये क्या है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। जो ईसोफेगस है ये कितने सेंटीमीटर का होता है बच्चों, ये होता है 12 सेंटीमीटर का। इसकी वॉल कैसी होती है, मस्कुलर ट्यूब होती है, इस टाइप का होता है। यहाँ से हमारा माउथ अटैच्ड है, ये क्या है पूरा आपका ईसोफेगस है। इसमें इस तरह का कॉन्ट्रैक्शन होता है, इसकी जो वॉल्स हैं बच्चों इस तरह से ऐसे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, ऐसे 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 कॉन्ट्रैक्ट करके ही यहाँ से क्या आएगा फूड सॉरी। तो जो ये कॉन्ट्रैक्शन होता है, इसी कॉन्ट्रैक्शन को मैंने आपको बताया था, कौन सा कॉन्ट्रैक्शन है, दिस इज अ रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन। इस रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन को ही बच्चों क्या बोलते हैं, पैरिस्टाल्टिक मूवमेंट, पैरिस्टाल्टिक मूवमेंट। जो ये पैरिस्टाल्टिक मूवमेंट हो रहा है इसी की वजह से फूड ऊपर से नीचे की तरफ क्या कर पा रहा है, यहाँ पुश हो पा रहा है। ये क्या है बच्चों आपका, ये क्या है, एक फूड है, और ये क्या है, फूड पाइप, ईसोफेगस। ईसोफेगस की में जो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, उसकी वजह से ही फूड ऊपर से नीचे की तरफ आ पा रहा है बच्चों। ईसोफेगस में किसी भी चीज़ का डाइजेशन नहीं होता है, सिंपल ये पैसेज प्रोवाइड कराता है फूड को माउथ से कहाँ, स्टमक में। ठीक है, यहाँ पे किसी भी चीज़ का डाइजेशन नहीं होता है। ये 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, इसकी जो वॉल्स होती हैं मस्कुलर होती हैं, इसमें रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होता है जिसकी वजह से फूड ऊपर से स्टमक में जा पाता है। इस रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन को पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसमें आपका हमने ईसोफेगस को देखा, तो मैं आपको रिकॉल करा देती हूँ आज हमने क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा कितने टाइप्स की सेलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं, 3 टाइप की सेलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं, पैरोटिड, मैक्सिलरी, सबमैंडिबुलर। हमने पढ़ा जो टंग होती है, टंग में कौन कौन से टेस्ट बड्स होते हैं, सॉर एंड सॉल्टी। इन्हीं टेस्ट बड की वजह से ही हमें डिफरेंट टाइप का टेस्ट एहसास होता है। हमने पढ़ा कि माउथ में किसका डाइजेशन होता है, माउथ में होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सेलाइवरी एमाइलेज सिर्फ स्टार्च का डाइजेशन। स्टार्च कन्वर्ट हो जाता है माल्टोज में, जो कि डाइसैकेराइड है। इसकी जो सेलाइवा की पीएच होती है वो होती है बच्चों 6.8।
फिर देखा हमने जो ईसोफेगस होता है ये 12 सेंटीमीटर लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब होती है। इसमें रिदमिक कॉन्ट्रेक्शन की वजह से ही फूड माउथ के थ्रू स्टमक में एंट्री कर पाता है। ये फूड को क्या करता है, एक पैसेज प्रोवाइड कराता है। तो बच्चों आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, इससे नेक्स्ट क्लास में हम स्टडी करेंगे बच्चों स्टमक को। जब तक के लिए थैंक यू सो मच।